सोमवार को पूरा देश महिला दिवस मना रहा था, लेकिन मनासा तहसील में महिला दिवस के दिन ही दिल दहलाने वाला मामला आया सामने। सोमवार को मनासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंजारडा चौकी के ग्राम गोटड़ा में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी अनुसार मृतिका हीराबाई पिता देवीलाल भील का विवाह 3 वर्ष पूर्व गोटड़ा निवासी राकेश पिता रामचंद्र भील के साथ हुआ था। विवाह के 3 वर्ष बीत जाने के बाद उपरांत 2 वर्ष पूर्व उक्त युवक का अन्य महिला के साथ चक्कर चल रहा था, जिसे लेकर अन्य जगह रह रहा था। उक्त युवक 4 दिन पहले ही अपने गांव गोटड़ा में आया व इसकी पत्नी हीराबाई के साथ 3 दिन रहा। वहीं बीती रात्रि रविवार को उक्त युवक ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। लड़े झगड़ा तो कोई मान लो कि नहीं करना, मतलब कोर्ट में चलना जाए जान जो चलो बोल बात किया फिर क्या हुआ? फिर सर वहाँ तो रात ने कहा इकट्ठा किए थे हम, तो मजदूर ने सुबह में मानते हो खबर है मंडी के यार के छोरी ने यार के पेट को फिर बीमार है जो अब सब जाए उठे करे थे करे तो मरीज की पड़ी हुआ माता कोर्ट में फिर इकट्ठा चोट लग रही मोरा में लग रही से कराड़ी की कराड़ी बहुत तो सर मान देखी उठे मतलब आ पड़ी थी उधर कराड़ी लाडी तो उठे टूटी कराड़ी को है पावना नहीं लाड़ी कारण वो दूसरी चाल लग रही तो मतलब अच्छा, प्रेम प्रसंग का मामला और वर्ष की चाल लग रही तो और खाते पीते तो और लग रही थी। अच्छा, आज ग्राम गोठड़ा छोटा गोठड़ा जो कंजारडा चौकी के अंतर्गत आता है, उस गाँव में सूचना आई थी कि एक नवविवाहिता जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होने पर जो है वो मौके पर जाके घटनास्थल की तस्दीक की गई, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया जो है वो घटना संदेहास्पद पाए जाने से मृतिका के शव का जो है पोस्टमार्टम मनासा अस्पताल में कराया गया है। शव की जांच के लिए घटना की जांच के लिए जो है मर्ग कायम करके जांच में लिया गया, जैसे ही आगे तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर मृतिका के शरीर पर चोट के निशान पाए? हाँ, मृतिका के शरीर पर कुछ चोट के निशान है, संभवतः लगता है कि शायद उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट हुई है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे जो भी साक्ष्य आएंगे साक्ष्य के आधार पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की रिपोर्ट।